हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमाल खान और स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जमाल खान कार टेक्नोलॉजी पर। और दोस्तों ये कार है रेनॉल्ट क्विड पेट्रोल कार है और इस कार में जो है दोस्तों एक्सीलेटर की प्रॉब्लम है और ये एक्सीलेटर की प्रॉब्लम किस रीजन से है दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए आप। तो अभी हम कार के अंदर आ गए हैं दोस्तों और हमने कार का इग्निशन ऑन कर लिया है। तो इग्निशन ऑन करके हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें मीटर में आपको यहाँ पर ये पीली वाली जो लाइट दिख रही है ये हमने कार स्टार्ट कर दी और कार स्टार्ट करने के बाद में जो है ये पीली वाली लाइट जो है लगातार चालू इसमें मीटर में चालू रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, ज़रा भी स्किप कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा इसको हमने कैसे ठीक करना है और ये कभी दोबारा ना आए इसके लिए हमें क्या करना है। और इसको हम सबसे पहले डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस करने के लिए हमने अपना कनेक्टर OBD 16 पिन का जो कनेक्टर है वो इसमें लगा दिया है कार में और ये हमारा स्कैनर है एक्स टूल का PS70 Pro। तो इससे हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो जाएंगे हम डायग्नोसिस में, जाएंगे इंडिया और उसके बाद दोस्तों जाएंगे हम ये यहाँ पर लिखा है इंडिया रेनॉल्ट, तो इंडिया रेनॉल्ट में जाएंगे और उसके बाद दो ऑप्शन आ गए ऑटोमेटिक डिटेक्शन और मैनुअल सिलेक्शन। तो हम जाएंगे मैनुअल सिलेक्शन में और उसके बाद में हमें अपनी गाड़ी यहाँ पर चूज़ करना है। तो हमारी रेनॉल्ट की क्विड है तो क्विड हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये रही, तो ये है रही हमारी क्विड। तो जाएंगे क्विड पर और फिर दो ऑप्शन आ गए ऑटोमेटिक स्कैन और सिस्टम सिलेक्शन। तो हम जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन में और इसके बाद में ये सबसे पहले वाला ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इंजेक्शन जो लिखा हुआ है इंजेक्शन, और उसके बाद में जाएंगे हम रीड ट्रबल कोड में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो फॉल्ट कोड है वो यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहला वाला जो फॉल्ट कोड है DF887 एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सिग्नल +T फेलियर और ये करंट में है ये फॉल्ट। और बाकी के जो ये जो फॉल्ट दिख रहे हैं ये मेमोरी में है। तो सबसे पहले हम इन फॉल्ट को जो है वो क्लियर करेंगे, जाएंगे बैग और जाएंगे क्लियर ट्रबल कोड में, यस। तो यहाँ पर लिखकर आ गया क्लियर ट्रबल कोड सक्सेसफुली, ओके। और दोबारा जाएंगे रीड ट्रबल कोड में, रीड ट्रबल कोड, तो आप देख सकते हैं दोस्तों वापस से ये ट्रबल कोड आ गया जो अभी हमने क्लियर किए थे। बाकी के फॉल्ट तो क्लियर हो गए लेकिन ये वाला जो मेन फॉल्ट है DF887 और एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सिग्नल +T फेलियर। और दोस्तों ये जो फॉल्ट है ये करंट में है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है करंट में है ये फॉल्ट। तो ये किस रीजन से है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये जो फॉल्ट कोड लगातार हमारी स्क्रीन पर स्कैनर की स्क्रीन पर आ रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है ज़्यादातर रेनॉल्ट क्विड में जो है, क्योंकि हम तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ कर चुके हैं, अक्सर जो है एक्सीलेटर पैडल का फॉल्ट आता है। तो इसका हम खुलवा रहे हैं एक्सीलेटर का पैडल। तो इसके लिए 10 नंबर का जो बोल्ट लगा होता है जो कि हमने पहले ही लूज़ कर लिया था, तो इसको हम अभी पैडल को बाहर निकालेंगे। और उसको निकालने के लिए यहाँ पर दो लॉक्स भी होते हैं तो इन लॉक्स को जो है नीचे की तरफ दबाकर और उसको निकालना होगा पैडल को बाहर। तो ये लॉक जो हैं दोस्तों बाहर आ गए और उसके बाद में हमें निकालना होता है इसका कपलर, एक्सीलेटर पैडल सेंसर पे जो कपलर जो लगा हुआ है तो कपलर को हमें निकालना होगा। तो ये कपलर जो है दोस्तों हमारा निकल चुका है और एक्सीलेटर पैडल को अभी हम बाहर लेकर आ रहे हैं इसको। तो दोस्तों एक्सीलेटर पैडल को हम बाहर निकाल लाए हैं और इसको अभी हम दिखाएंगे आपको, रिपेयर करेंगे हम इसको। ये रेनॉल्ट का ओरिजिनल है। तो इस पैडल को जो है दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है जब भी कभी गाड़ी रेस छोड़ जाती है तो इस कंडीशन में पैडल नया डालना पड़ता है, लेकिन हम पैडल को रिपेयर करके दिखाएंगे जिसके लिए यहाँ पर कुछ लॉक्स होते हैं ये जो मैं स्क्रू ड्राइवर से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये टोटल जो है 5 लॉक होते हैं और 5 लॉक को जो है उनको दबाना होता है। उनको दबाने के बाद में फिर वो जो पीछे साइड का जो कवर है प्लास्टिक का वो पीछे की साइड को निकल जाएगा, उसके बाद में एक्सीलेटर जो है पैडल बाहर निकाल पाएंगे।
तो ये लॉक जो हैं दोस्तों काफ़ी आसानी से नहीं निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी फिक्स होते हैं लॉक ये, और इसमें निकालने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है और बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का पार्ट है, तो अगर इस पर ज़्यादा ताकत लगाएंगे या ज़्यादा इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये टूट भी जाता है। तो हमें इसके लॉक निकालना है और लॉक बड़े ध्यान से निकालना है, पांचों लॉक को अंदर की तरफ दबाना है और उसके बाद में पीछे साइड का जो कवर है वो हमारा निकल जाएगा। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर को कैमरा रोक देते हैं और कैमरा रोकने के बाद में ही हम इसके लॉक निकाल पाएंगे। तो हमने दोस्तों कैमरा कुछ समय के लिए हमने रोक दिया था और उसके बाद में हमने लॉक को जो है दबा के पाँचों लॉक को, तब ये कवर जो है हम इसको बाहर निकाल पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पीछे साइड का जो कवर है एक्सीलेटर पैडल का, तो इसमें ये जो लॉक होते हैं प्लास्टिक वाले ये वाले, और इनको अंदर की साइड में दबाना होता है इस तरह से, ये मैं आपको दबाकर दिखा रहा हूँ, इस तरह से अंदर की साइड में दबाना होता है पांचों को। तो पांचों जब दबाएंगे तो ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, लॉक वाला जो हिस्सा जो फंसा होता है वो जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद में ये कवर बाहर आ जाता है। तो अभी ये पैडल जो है हमने इसका कवर हटा दिया, तो अब इस पैडल के अंदर फॉल्ट कहाँ पर है वो हम आपको दिखाएंगे। तो अब जो है ध्यान देने वाली बात है और इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि अभी इसमें फॉल्ट सामने आने वाला है, आपको मैं बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। ये रेनॉल्ट की क्विड में अक्सर ये फॉल्ट आता है और ये मेरे ख्याल से सभी जितनी भी रेनॉल्ट की जितनी भी पेट्रोल वाली क्विड हैं उनमें सब में ये फॉल्ट आया है। तो फॉल्ट जो तो ये यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, ये जो एक्सीलेटर पैडल को जो हम प्ले कर रहे हैं, तो ये प्ले करने पर ये जो वाइड वाला जो बुश ये लगा हुआ है इस बुश के पास में और पैडल के बीच में आपको प्ले दिख रही होगी, ये हम इसमें प्ले कर रहे हैं तो आपको ये चाल जो है ये प्ले जो है ये आपको दिख रही होगी। तो बस यही फॉल्ट होता है, ये कंपनी का ही मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट है और ये अक्सर क्विड में इस कंडीशन में हमें पेट्रोल इसका एक्सीलेटर का पैडल बदलना पड़ता है, लेकिन आज हम पैडल बदलेंगे नहीं बल्कि इस पैडल को हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि हमने जो लाइट कंटिन्यू चालू थी वो लाइट भी जाएगी और हम डायग्नोस करके उसमें क्लियर करके फॉल्ट कोड को भी दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें ये पैडल को निकालना है, तो हमें एक हाथ से एक साइड से पकड़ना होता है नीचे से और दूसरे हाथ से सीधे वाले हाथ से इस बुश को इस तरह से दबाकर और ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाता है। बहुत संभाल कर निकालने के बाद में इसको हमने एक साइड में रख दिया और अभी पैडल में हम इसमें आपको एक चीज़ और समझा दें, ये हम आपको बिल्कुल देसी भाषा में ही समझाएंगे। ये जो इसकी पत्ती हैं तो ये पत्ती भी कोई सी घिसी या टूटी हुई नहीं होना चाहिए, अगर ये घिसी हुई या टूटी हुई होती हैं तब भी हमारे एक्सीलेटर में प्रॉब्लम आती है। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसमें ये इन पत्तियों का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये जो पैडल के अंदर जो वाइट कलर का जो बुश है जो इस अपनी उंगली से हम ऊपर उठा रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं निकल कर गिर गया। तो मेन फॉल्ट जो है दोस्तों वो इस बुश के अंदर ही है, ये बुश जो है उस पैडल के अंदर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, लेकिन ये फिक्स ना हो के उसमें इतना ज़्यादा ढीला है, इतना ज़्यादा लूज़ है कि जैसे ही हम पैडल के अंदर लगा रहे हैं तो पैडल के अंदर लगाने पर ये गिर जा रहा है। और दोस्तों ये जो स्प्रिंग है इसमें डबल स्प्रिंग होते हैं और स्प्रिंग के बीच में दोस्तों ये इसका सेपरेटर होता है। तो ये सब दोस्तों बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। और ये रहा इसका बुश, बुश की आज हम करने वाले हैं रिपेयरिंग, इस पैडल के अंदर इस बुश को जो है हमें फ़िक्स करना है। तो ये जो इसमें ढीला है इसमें, इसलिए इसमें पैडल में दिक्कत आ रही है। तो हम इसके बुश को फिक्स करने के लिए ये अभी हम आपको प्ले दिखा रहे हैं, ये प्ले आपको इसमें काफ़ी दिख रही होगी, इस प्ले को ही हमें ख़त्म करना है। इस प्ले को ख़त्म कर देंगे तो हमारा एक्सीलेटर पैडल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसकी रिपेयरिंग अभी। और ये जो एरिया है यहाँ पर जो गंदगी आपको दिख रही है, ये गंदगी को भी आपको साफ़ करना है। जो थ्रोटल बॉडी क्लीनर जो स्प्रे जो आता है उसको अगर आप मार देंगे या रस्टिंग वाला कोई सा भी स्प्रे है तो आप उसको लगा देंगे तो ये एरिया साफ़ हो जाएगा। और बुश को जो है रिपेयर करने के लिए दोस्तों हमने नायलॉन वाला टेप ले लिया है, तो नायलॉन वाला टेप जो है वो इस पर हम इस बुश के ऊपर लपेट देंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद में हम इसे पैडल में लगा देंगे, तो इससे जो ये प्ले है प्ले ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद में ये पैडल जो है वो ठीक से काम करने लगेगा। तो दोस्तों इस पर हम नायलॉन वाला टेप लगा रहे हैं, आप चाहें तो इस पर जो सफ़ेद वाला जो टेप आता है प्लास्टिक वाला वो टेप भी आप लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी आपको ऐसा लगाना है जिससे बुश के और पैडल के बीच की जो प्ले है जो चाल है वो ख़त्म होना चाहिए।
तो हमें टेप इतना ही लगाना है जितना के वो बीच में पैडल के और बुश के बीच में जो चाल है उसको ख़त्म करना है। तो दोस्तों हमने बुश पे टेप लपेट कर और उसके पैडल के और बुश के बीच में जो चाल रहती है, जो प्ले रहती है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने उसी हिसाब से टेप लपेटा है जो कि इसके और पैडल के बीच में की बुश की जो चाल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हमने टेप तो अच्छे तरीके से लपेट लिया है, अब बाकी इसको पैडल को ठीक तरीके से लगाना होता है। तो अभी इसका पैडल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बुश तो हमने लगा दिया, और बुश लगाने के बाद में जो इसका स्प्रिंग होता है पैडल का, तो पैडल का स्प्रिंग भी हमने एक साइड से लगाकर और दूसरी साइड से स्क्रू ड्राइवर से भी दबा सकते हैं या फिर आप इसको हाथ से भी दबा सकते हैं। तो स्प्रिंग तो हमने लगा दिया, और बाकी जो इसकी पत्ती हैं ये आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पत्ती भी बहुत ध्यान से ठीक तरीके से बैठालना होती हैं। तो पत्ती हमने लगा दी और इसका स्प्रिंग ठीक से लगा दिया और इसका बुश जो है बुश भी ठीक तरीके से इसमें बैठाल दिया। तो ये सब लगाने के बाद में दोस्तों पूरा जो हमने फिटिंग खोली थी उस फिटिंग को दोबारा से ध्यान से देखना होता है इसके सब सही तरीके से लग गई या नहीं। अगर सब सही तरीके से लग गई है उसके बाद ही हमें ये कवर जो है जो अब हम लगा रहे हैं ये कवर बाद में ही लगाना है। तो हमने सभी अच्छे तरीके से फिटिंग चेक कर ली और अभी ये कवर लगवा रहे हैं। ये कवर लगाने के बाद में हम इस पैडल को कार में लगाएंगे और कार में लगाने के बाद में आपको दिखाएंगे रिजल्ट कि जो लाइट आ रही थी कंटिन्यू वो लाइट एक्सीलेटर इंक्रीज़ करने के कारण से आ रही थी, एक्सीलेटर इंक्रीज़ हो रहा था इस वजह से वो लाइट कंटिन्यू चालू थी। तो दोस्तों अभी पैडल हमने कंप्लीट कर लिया है और पैडल कंप्लीट करने के बाद में अभी हम इस पैडल को जो है गाड़ी में लेकर आ गए हैं और अभी इसे गाड़ी में फिट करवा रहे हैं। तो इस पैडल को लगाने के टाइम पे इसके दोनों लॉक को ठीक से बैठालना होता है और इसमें 10 नंबर का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बोल्ट होता है और एक बोल्ट पर यह पैडल जो है पूरा लगा हुआ होता है। तो इस बोल्ट को हम टाइट करवा देंगे और उसके बाद में जो है हम इसका पैडल सेंसर का ऊपर का जो कपलर होता है उसको और भी हम लगवा रहे हैं अभी ठीक तरीके से, और उसके बाद हम दिखाते हैं अभी ये गाड़ी स्टार्ट करके आपको। तो अभी हमने इसका इग्निशन ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं। हमने इग्निशन ऑन कर दिया और ये लाइट अभी आ रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका रिज़ल्ट हाथ के हाथ आ गया, यानी इग्निशन जैसे ही ऑन किया लाइट चली गई। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में दोस्तों जो लाइट कंटिन्यू यहाँ पर चालू थी वो लाइट अभी चली गई है। तो जो हमने पैडल रिपेयर किया है वो हमारा काम सक्सेसफुल हो गया और एक्सीलेटर भी बराबर पकड़ रही है गाड़ी। तो इसमें जो लाइट आ रही थी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में मीटर में लगातार लाइट चालू थी। तो अभी हम इसको स्कैन करके दिखाते हैं दोबारा से, इसको डायग्नोस करेंगे अपने एक्स टूल PS70 Pro से। जाएंगे इंडिया और जाएंगे इंडिया रेनॉल्ट में और जाएंगे मैनुअल सिलेक्शन, और अभी हमें अपनी गाड़ी यहाँ पर अपनी कार चूज़ करना है। तो हमारी क्विड है, तो ये रही क्विड, जाएंगे क्विड पर और उसके बाद जाएंगे दोस्तों सिस्टम सिलेक्शन में और सबसे पहले वाले ऑप्शन में इंजेक्शन और जाएंगे रीड ट्रबल कोड तो दोस्तों ये हमारा फॉल्ट कोड आ गया सामने DF887 एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सिग्नल प्लशिवल्टी फेलियर। और पहले ये फॉल्ट करंट में था, अभी मेमोरी में चला गया है। तो क्योंकि हमने पैडल रिपेयर किया है तो हमारा जो पैडल रिपेयर है वो कामयाब हो गया। जाएंगे बैक, अब इसको हम क्लियर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जाएंगे क्लियर ट्रबल कोड, यस, तो लिखकर आ गया क्लियर ट्रबल कोड सक्सेसफुली, ओके। वापस से रीड करेंगे, रीड ट्रबल कोड। तो अब हमने क्योंकि ये क्लियर कर दिया है तो अब ये फॉल्ट कोड आना नहीं चाहिए दोस्तों। ये देखिए आप देख सकते हैं लिखकर आ गया सिस्टम नॉर्मल नो ट्रबल कोड। तो पहले हम बार बार जब इसको रीड कर रहे थे तो ये फॉल्ट कोड बार बार आ जा रहा था क्योंकि हमारे पैडल में दिक्कत थी, और अभी हमने पैडल रिपेयर कर दिया तो अभी ये फॉल्ट कोड क्लियर हो गया, लिखकर आ रहा है सिस्टम नॉर्मल नो ट्रबल कोड, ओके। तो दोस्तों ये जो छोटा सा काम हमने किया है ये हमारा सक्सेसफुल हो गया और आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट है और स्टार्ट कंडीशन में पहले लाइट कंटिन्यू चालू थी और सामने ये जो लाल वाली लाइट बन के आ रही है ये लाइट जो है हमारी पार्किंग ब्रेक की है क्योंकि हमने हैंड ब्रेक लगा रखा है इसलिए सामने ये वाली लाइट है, और साइड में इधर जो लाइट ब्लिंक कर रही है
ये इसलिए है कि हमारा फ्यूल टैंक में हमारा फ्यूल कम है, इसलिए वो लाइट ब्लिंक कर रही है। बाकी ये काम हमारा सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। इस कार में एक्सीलेटर की प्रॉब्लम थी, ये है रेनॉल्ट की क्विड पेट्रोल कार, और पेट्रोल कार में ज़्यादातर क्विड कार में एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो इसको हमने डायग्नोस किया, इसको ट्रेस किया और हमने फिर इसको क्लियर भी करके आपको दिखा दिया। ये हमारा स्कैनर है एक्स टूल PS70 Pro, जिससे हमने इसको स्कैन किया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों साथ ही साथ इस छोटी सी जानकारी को आगे भी शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।